सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। एसएमएस में भारी पुलिस जाब्ते को देख हुआ बड़ा कंफ्यूजन। डॉक्टर्स को लगा पपला गुर्जर को लेकर आई है पुलिस। पपला को नहीं, विनोद पथेना को लेकर आए थे एसएमएस अस्पताल। 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद पथेना। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई थी जमकर फायरिंग, जिसमें विनोद पथेना को लगी थी गोली। गोली लगने के बाद बदमाश विनोद पथेना का आगरा में भी चला था इलाज। इलाज के लिए आज पुलिस सेंट्रल जेल से लेकर आई एसएमएस अस्पताल। अजमेर जेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी ने की पुष्टि, पपला गुर्जर अजमेर जेल में ही मौजूद। तो ये पुष्टि हो गई है कि जो पपला गुर्जर है वो अजमेर जेल में ही मौजूद है। तो ये पुष्टि की है पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी ने। तो वहीं ये पूरा बड़ा कंफ्यूजन से जुड़ा हुआ मामला, तो एसएमएस में भारी पुलिस जाब्ते को देखकर बड़ा कंफ्यूजन हुआ। डॉक्टर्स को लगा पपला गुर्जर को लेकर पुलिस आई है, पर पपला को नहीं, विनोद पथेना को लेकर आए थे एसएमएस अस्पताल। 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद पथेना। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई थी जमकर फायरिंग, जिसमें विनोद पथेना को गोली लगी थी। गोली लगने के बाद बदमाश विनोद पथेना का आगरा में भी चला था इलाज। इलाज के लिए आज पुलिस सेंट्रल जेल से लेकर आई एसएमएस अस्पताल। और इस दौरान ये बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर, अजमेर जेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीति चौधरी ने ये पुष्टि की है कि पपला गुर्जर अजमेर जेल में ही मौजूद है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे और कैसे ये कंफ्यूजन। आईसी देखिएगा, ये कंफ्यूजन जो हुआ पूरा अस्पताल प्रबंधन जो एसएमएस का था उसकी तरफ से हुआ, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये कहा गया था कि पपला गुर्जर को एक गैंगस्टर को यहाँ पे लाया गया है, क्योंकि वही जो सोर्स था उसके कंफ्यूजन की वजह से ये पूरा मामला सामने आया। क्योंकि जब पूरे मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि ये विनोद पथेना है, जिसको भरतपुर के पास में मुठभेड़ के अंदर पुलिस ने पकड़ा था और उसके पैर पे गोली लगी हुई थी। क्योंकि उसका इलाज चल रहा था और उसके ऑपरेशन के लिए अस्पताल लाया गया था, क्योंकि वो 1 लाख का इनामी बदमाश था। ऐसे के अंदर एहतियात के तौर पर भारी पुलिस जाब्ता लगाया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से ये कंफ्यूजन किया गया कि विनोद पथेना की जगह पपला गुर्जर मीडिया कर्मियों को बताया गया, उसी की वजह से ये पूरा कंफ्यूजन पैदा हुआ। फिलहाल पूरे एसएमएस हॉस्पिटल को के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और उसकी लेकर जांच की जा रही। जी, और बिल्कुल सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम ये मामला है जियाउद्दीन, क्योंकि आम लोग भी हैं जो ऐसे में आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, और हो सकता है ऐसे में कई जो इसके सहयोगी हैं कुख्यात बदमाश के, वो वहां पर नजरें गड़ाए बैठे हों कि कब मौका मिले और उसको यहां से ले जाया जा सके। कि ये जो गैंगस्टर होते हैं, इनों की आपस के अंदर दुश्मनी भी होती है, और दूसरा ये होता है कि जो इनके साथी होते हैं उनको छुड़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि पपला वाला जो मामला था उसके बाद से राजस्थान पुलिस हमेशा से अलर्ट रहने लग गई, जब बड़े गैंगस्टर को लेकर आती है या तो कोर्ट पेशी के अंदर या इलाज के लिए। ऐसे के अंदर उसकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम किया जाता है और किसी तरह की कोई अनहोनी घटना घटित ना हो उसको लेकर भारी पुलिस जाब्ता लगाया जाता है। ऐसे के वहाँ पे मोती डुंगरी जो थाना पुलिस है उसका भी जाब्ता पहुंचा था, अशोक नगर थाना पुलिस का जाब्ता पहुंचा, अतिरिक्त जाब्ता भी मंगाया गया था। क्योंकि 1 लाख का इनामी बदमाश है और यूपी और राजस्थान के कई जिलों के अंदर इस बदमाश का आतंक बताया जा रहा था, इसी वजह से एहतियात को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता लाया गया था। फिलहाल अभी उसका उपचार एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। जियाउद्दीन, ये भी जानना चाहेंगे एसएमएस लाने के पीछे कोई खास वजह। क्योंकि जिस तरह की जो बात हुई कि इसकी जो विनोद पथेना था, पुलिस की मुठभेड़ के दौरान इसके पैर के ऊपर गोली लगी हुई थी, जिसकी वजह से काफी तकलीफ थी और उसी का ऑपरेशन करवाने की संभवता, उसी का ऑपरेशन करवाने के लिए इसको अस्पताल लेकर आया गया है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, उसके बाद ही डॉक्टर की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा उसमें पता हो पाएगा कि किस वजह से यहाँ लेकर आए थे। क्योंकि जो जैसे किसी गैंगस्टर को या हाई सिक्योरिटी आदमी को जब लेकर आते हैं तो उसकी जो पहचान होती है वो गुप्त रखी जाती है, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना घटित ना हो जाए। और यही वजह रही कि जो कंफ्यूजन हुआ वो अस्पताल प्रबंधन से हुआ। अब इसके इलाज क्यों नहीं, किस वजह से लाए थे, क्या बीमारी थी और किस चीज का ऑपरेशन होना है, ये बाद में ही पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के।